हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, विद्यालय प्रबंध समिति यानी इंग्लिश में बोले तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में गठित होती है, जिसमें 11 सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होते हैं और 4 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों, ये जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो विद्यालय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। विद्यालय में जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस रूप में क्रियान्वित हो रही हैं उसकी भी ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। चाहे मिड डे मील हो, चाहे स्कूल के यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो या शिक्षकों की उपस्थिति हो, तो ऐसा माना जाता था कि ये जो समिति है ये काफ़ी हद तक स्कूल को मैनेज करती है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो बैठकें होती थी वो हर एक स्कूल अपने हिसाब से किस माह के किसी दिन भी कर लेता था। लेकिन अब सरकार ने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में जो सरकार है उसने अब विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक सुनिश्चित कर दिया है। अब ये बैठक प्रत्येक माह, हर माह, गौर करेंगे दोस्तों, हर माह पहले बुधवार को होगी और अगर अवकाश है बुधवार को तो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाएगी। आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ है, माह के पहले बुधवार को होगी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक और इसमें शासन ने तय किया एजेंडा, कार्य व दायित्व भी शासन ने निर्धारित कर दिया है। बैठक में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। तो शिक्षकों को भी एक हद तक इस बैठक में उपस्थित होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज़ आपके सामने कवर करते हैं। परिषदीय स्कूलों में अब हर माह के पहले बुधवार को, प्रत्येक माह के पहले बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होगी। स्कूलों में समिति को नियमित बैठक नहीं होने से बिगड़ रही व्यवस्था के बाद शासन ने बैठक का दिन निर्धारित कर एजेंडा तय कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी BSA को हर माह अनिवार्य रूप से समिति की बैठक कराने और एजेंडे के अनुसार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत सभी परिषदीय स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति बनी है। सरकार ने समितियों की हर माह बैठक कर वो उनके कार्य और दायित्व भी निर्धारित किए हैं। लेकिन ज़्यादातर जिलों में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक अलग अलग दिनों में होती है या हर माह होती ही नहीं है, ऐसा शासन का मानना है। शासन ने अब माह के पहले बुधवार को समिति की बैठक करने के निर्देश दिए हैं और अगर बुधवार को अवकाश है तो दोस्तों बैठक उसके अगले दिन होगी और बैठक में BSA सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी सारे अध्यापक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो खबर है वो कह रही है सारे टीचर इसमें होंगे, सारे अध्यापक, जिला परियोजना कार्यालय के जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, सह समन्वयक यानी ABRC, BRC, MIS इंचार्ज और लेखाकार को समिति की बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। गांव में मुनादी कर ग्रामीणों और अभिभावकों को बैठक की जानकारी दी जाएगी। बैठक में शामिल न होने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। तो जो इस बैठक में कहा गया है कि सारे शिक्षक अनिवार्य रूप से शामिल होंगे और अगर शिक्षक इसमें शामिल नहीं होते तो उनके खिलाफ़ दोस्तों कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। यह होगा बैठक का एजेंडा। बैठक में एजेंडा आपका क्या होगा? पहला बिंदु है स्कूल में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की उपस्थिति पर चर्चा। जो बैठक रहेगा दोस्तों उसमें बिंदु आप नोट कर लीजिए, इसी बिंदु के क्रम में ये बैठक होगी कि शिक्षक की उपस्थिति देखी जाएगी, जो भी हैं, चाहे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यार्थियों की भी उपस्थिति की समीक्षा होगी। 60% से कम उपस्थिति पर अभिभावकों से विचार विमर्श होगा। जो भी बच्चे हैं अगर 60% से बिलो उनकी अटेंडेंस है
तो गार्जियन से बातें होंगी, उनसे संबंधित जो गार्जियन है, जो बच्चा, अगर कोई बच्चा उसकी अटेंडेंस प्रत्येक माह 60% से कम जा रही है, तो ये समिति के सदस्य आपस में विचार विमर्श कर उसके गार्जियन से बात करेंगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग व यूनिफॉर्म वितरण की समीक्षा, कि यानी सारे बच्चे किताब पा गए कि नहीं, सारे बच्चों को जूता मोजा मिल गया कि नहीं, स्वेटर मिला कि नहीं, स्कूल बैग मिला कि नहीं, यूनिफॉर्म का सारे बच्चों तक पहुँच सुनिश्चित हुई कि नहीं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन व मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन वितरण की समीक्षा, जो बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते और 6 से 14 आयु वर्ग के हैं वो बच्चे स्कूल से जुड़ सकें उसकी भी समीक्षा होगी, और मिड डे मील जो बनता है हमारा प्रत्येक जो सप्ताह में एक मेनू दिया गया है उस मेनू के हिसाब से बन रहा है या नहीं उसकी भी समीक्षा होगी। शैक्षिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों की पढ़ाई व पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता की समीक्षा होगी। विद्यालय प्रबंध समिति को 2018-19 यानी गत वर्ष और 2019-20 जो चल रहा है में प्राप्त धन के खर्च की भी समीक्षा होगी। दोस्तों, खेलकूद गतिविधियों और सामग्री के साथ पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कार्य की समीक्षा होगी, मतलब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो भी होंगी उसको जो है ये देखा जाएगा कि केवल यही हो रही है कि नहीं, यानी खेल कूद कराया जा रहा है स्कूल में कि नहीं, ये भी इसकी भी समीक्षा होगी। ब्लैक बोर्ड, पेयजल, हैंड वॉश की व्यवस्था, शौचालय, रसोई घर, रंगाई पुताई और फर्श की स्थिति की समीक्षा होगी। विद्यालय भवन के रख रखाव, सफाई व्यवस्था और पंचायत द्वारा वित्त पोषण के तहत किए गए कार्यों की भी समीक्षा होगी। तो दोस्तों, ये तो काम दे दिया गया विद्यालय प्रबंध समिति को कि इसी जो बिंदु हैं इन्हीं के दायरे में आपको वहाँ पे स्कूल में काम करना होगा। लेकिन दोस्तों, सरकार अगर ऐसा पहल कर रही तो बहुत अच्छी बात है कि जो बेपटरी पे व्यवस्था है उसको पटरी पे लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसी SMC की बैठक में इनके जलपान की भी व्यवस्था कर सकती कि हर माह जो प्रत्येक बैठक होगी उसमें 11 सदस्य जो भी शामिल होंगे उनके जलपान की एक व्यवस्था कर सकती तो बड़ी बात होती। हेडमास्टर के SMC अकाउंट में ये 10 माह का प्रत्येक बैठक का अगर ये वित्त पोषण की व्यवस्था कर सकती कि हर बैठक में आप उनके जलपान की व्यवस्था कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि पुअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन बिना कोई आकर्षण के इन बैठकों में शामिल नहीं होना चाहते, सदस्य तो बन जाते हैं लेकिन उनकी अपनी मजबूरी होती है। तो अगर उनके लिए थोड़ा सा जलपान की व्यवस्था हो सके हर माह दोस्तों तो बड़ी बात होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जलपान की व्यवस्था हो जाए तो एक आकर्षण इन बैठक में बना रहेगा। तो सरकार से निवेदन है, सरकार से ये आह्वान है कि इस बैठक के लिए 10 माह की बैठक के लिए एक साथ जो SMC खाते में पैसा प्रेषित किया जाए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत YouTube चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे बराबर से एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।